खाना लगा तो बहुत भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया था यार। ठीक है पुत्र। इशिता छेती खाना लगा, देख मेरे बच्चा भूखा है। अरे साले साहब रुको ना, वैसे में चाचा चली से बाकी घर वालों को बुला ला। भाई पापा जी, इशिता जी आप भी आइए ना, सब लोग सामने रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो साले साहब देखिए भाई, सब लोग ये आपके घर की बिजली राशन हर चीज का किराया पूरे 60,000 रुपए। अच्छा इसकी रसीद देना मुझे मत भूलिएगा आप। क्या होता है ना कि मुझे अपने भी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से क्लेम वापस लेना होता है। तो भाई बात यही सही है कि इज्जतदार ईमानदार आदमी जो होता है ना, वो ईमानदारी से मेहनत करता है और इज्जत की रोटी खाता है। खैर मुझे लगा था कि घर और ससुराल में फर्क नहीं होता है, लेकिन साले साहब आपने मुझे बता दिया कि फर्क होता है। चलो ठीक है, अभी क्या, अभी तो मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ, अब तो मैं इस घर में चौड़े से रहूँगा भी, सोऊंगा भी और एसी भी चालू होगा। अब तो बटर चिकन भी बनेगा और पूरी के साथ सब्जी भी मिलेगी। साले साहब क्या बोला था आपने कि खुददारी अगर है तो चौड़े से रहना सीखो, है ना भाई? अब तो रहेंगे चौड़े से इस घर में, समझो पूरे पैसे दे रहा हूं मैं। मेरी इज्जत और खुददारी पर सवाल किया था ना, ये उसका जवाब समझ। एक एक नोट थूक लगा के गिन लेना, कहीं खुददारी खैरात में तो नहीं ले आई अपने मालिक से। अरे सुमो बना अभी जो भी बनाना, जो जी में आए वो बनाओ। अब पैसा पूरा दे रहे हैं तो भाई जो मन में आएगा वो खाएंगे ना। बना बटर चिकन बना, अरे वो क्या बोलते हैं सीमा सीमा, वो बना। बजट भी है कि नहीं? क्यों नहीं आएगा परम जी, आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। इतनी जल्दी इतने पैसों का एडवांस कौन से ऑफिस में मिलता है? अरे शीता जी मैं क्या बोल रहा था, आप गिन लो ना इसे, देख लो एक आध नोट ज्यादा ही होंगे, और अगर हैं तो आप लोग भी अच्छे से खा लेना उसमें। फिर मुझे क्या पता, लेकिन इतने जल्दी इतने पैसे लाना, इसकी इतनी है नहीं, कमी ना कहीं से चोरी करके लाया या तो अशोक से भीख मांग के लाया। डोंट वरी, आज नहीं तो कल साथ सामने आ ही जाएगा, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके जल्दी, मतलब अशोक इतने जल्दी पैसे दे सकता है? दाल में कुछ तो है, ये क्या है, गड़बड़ ही है। दिस मौली टीका वो सेम बटर है जो कि आज मम्मी जी ने रमन को दिया था शकुन को देने के लिए। तूने ये पैसे मुझे दिए थे ना रखने के लिए, या तू ले और जाकर मेरे बच्चे की फीस दे पुत्र। इसका मतलब आज के दिन परम ने अशोक से नहीं उल्टा शकुन से पैसे मांगे। क्या होगा बेचारे परम भैया का, सिम्बू ने तो समझाया था कि किसी से पैसे मत मांगो, अब तो बेचारे विथ प्रूफ गए। ओके काम डाउन, सिम्बू से बात करेंगे। गिन ली पैसे, अब क्या है एक एक ग्लास के पानी का हिसाब करने आई है? सिम्बी तुम हमेशा गुस्से में रहती हो इसलिए काफी बातें देख नहीं पाती हो, इस बार भी वही हुआ जिसका हम सबको डर था। बोल क्या हुआ पुत्र? जिस बंडल को देखिए कुछ याद आ रहा है इसे देख के? ओए अब क्या नया स्यापा कर रही है? जी ये वही बंडल है जिसे आज आपने माता रानी को चढ़ा के रमन को दिया था ताकि वो शगुन को दे आदि की फीस के लिए। इसका साफ मतलब ये है कि परम ने आज अशोक से पैसे लिए ही लिए। पर उसने शगुन से लिए? मुझे बकवास कर रही है, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है
मम्मी जी से पूछो, इस पे जो मौली बंधी है ये पापा जी ने बांधी थी, जो टीका लगा है ये मम्मी जी ने हाथ पे लगाया था। मम्मी जी बताइए ना। हाँ सिम्मी, इशिता ठीक कह रही है। ये देख, ये वही पैसे जिसमें मैंने टीका लगाया था और ये तेरे पापा ने मौली बांधी थी। देखिए हमारे मंदिर की मौली है। ये सबका क्या मतलब है? अब सिम्मी, परम से बात ये हुई थी कि वो किसी से पैसे मांग कर नहीं लाएंगे, लेकिन वो मांग कर लिया है। देखो मैं रमन से इस बारे में कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, प्लीज तुम भी चुप रहना, क्योंकि शकुन से वो पैसे मांग कर लाए। अगर ये बात रमन को पता चलेगी तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। अरे कहाँ गया परम का वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खुददारी? मांगा भी तो उस कमीनी शगुन से। तुम ही चाहती थी ना कि वो इस घर में आए, सबको बताए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, राइट? लेकिन ये तो पैरों पे कुल्हाड़ी है। ओए तू बकवास मत कर, बस हो गया। क्या हुआ सिमी? आज तो कमाल हो गया माँ, तुम्हारी जगह जासूस ने कमाल कर दिया। सच्ची इच्छा, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो, डिटेक्टिव बन जाओ तुम। अरे कुछ सोचा थोड़ी ना था, अपने आप हो गया। वाकई इशिता ऐसे कमाल हो गया। माँ कमाल तब होगा जब सिम्मी जाके परम की क्लास लेगी। वो बेचारा कहेगा, ओ सिम्मो मेरी भूख मर गई है, मैंने नहीं खाना बटर चिकन। आज पहली बार ऐसा मन कर रहा है कि अशोक और शगुन को जाके दिल से थैंक यू कहूँ यार। मेरा आधा काम उन्होंने कर दिया। परम जी ये पैसे कहाँ से लाए? क्या सवाल कर रही है? परम जी बातें गोल ना घुमाओ, मुझे सीधे सीधे बोलो, मेरा सर फट रहा है, ये पैसे कितने लाए? अरे उधार मांग के लाया हूँ, तनख्वाह मिलेगी चुका दूंगा धीरे धीरे करके। तू तू क्यों पीछे पड़ी? झूठ झूठ बोल रहे हो आप। कहीं से नहीं लेके आया ये पैसे। मम्मा और भाई ठीक कहते हैं, आप उनके फालतू हो गए हो परम जी। आप ये पैसे शगुन से मांग कर ले आए। निकल कर रही है, तुसी कर रहा करना। मैं कितना इतरा रही थी उस इशिता के सामने कि आपने लाकर उसके मुंह पे मार दिए पैसे। क्या पता था कि उस शगुन से भीख में मांग कर लिया। क्या बकवास कर रही है? परम जी बकवास नहीं है, देखो ये वही नोटों का मंदिर जो जो रमन भाई ने शगुन को आदि की फीस के लिए दिया था, ये वही मौली है हमारी माता के मंदिर की। इज्जत बचाने की बात थी, लेकिन आप तो पूरी इज्जत गवा कर आ गए। आपने मेरी और बेबी की कसम ली थी ना, आप शगुन के पैसे इस घर में लेकर आए। आपने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सब खत्म कर दिया परम जी। शगुन भी ना ऐसे नोट थमा दिए, उसमें मैंने भी नहीं चेक किया कि टीका लगा हुआ है। बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉली आंटी, हाय। हाय। हमारे घर में इतना टेस्टी कीमा बनाया है अपनी सिम्मी ने बनाया है, तो मैं आपके लिए भिजवाऊं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र। ठीक है मैं भिजवाती हूँ। बाय बाय। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। अरे परम भैया क्या हुआ, भूख मिट गई आपकी? कोई बात नहीं, देखो वैसे भी ये तो शुरुआत है। ये सिम्मी ना, उसने भी आपका एक झूठ पकड़ा है। धीरे धीरे आपके झूठ के जितने भी पर्दे हैं ना, वो हटते जाएंगे हटते जाएंगे। फिर पता है इंटरेस्टिंग बात क्या होगी? अरे सिम्मी खुद मेरे पास आएगी और बोलेगी, ए भाभी तू नहीं जानती परम बहुत गलत इंसान है। देखो बहुत देख लिया है तुम्हें, और अब हमारी पूरी फैमिली तुम्हें देखना नहीं चाहती है। सब जान चुके हैं तुम्हारी असलियत, और हमारी सिम्मी की जिंदगी तुमने काफी बर्बाद कर दी है। अब तुम अपने दिन गिनना चालू कर दो क्रैश डाइटिंग के।